मिठाई लाल, क्या है तुम्हारे हाल, चल गर्मा गर्म समोसे निकाल, अरे पेट में मच रहा है भूचाल। क्या बात है भगवान भैया, आज तो बहुत खुश लग रहे हो। आज हम बहुत खुश नहीं हैं, आज हम बहुत 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 खुश हैं। अच्छा तो मैं गर्मा गर्म समोसे छान कर लाता हूँ। अरे वाह मिठाई लाल, तू है बेमिसाल। अरे कैसे हो पटुकलाल? हम ठीक हैं। अरे यहाँ कैसे? यहाँ हम तो वैसे ऐसे ही गली में टहलते रहते हैं। अच्छा आजकल तुम हमारे घर क्यों नहीं आते यार? अरे चाचा जी आप ही ने कहा था ना कि दिवाली पे आना, तो बस दिवाली का इंतजार कर रहे थे। तो समझ लो आज दिवाली है, चलो चाय पी के जाना। हम चाय पीते ही नहीं चाचा जी। अरे तो दूध गर्म करके दे देंगे। अरे कुछ भी हो चलो आओ तो सही। खटाई भैया। हाँ भैया। आज कभी इतना खुश नहीं देखा, जिलेबी के जैसा चक्कर का है। हमको लग रहा है भैया कि कुछ गलत प्रेमी का शिकार हो गए। हाँ कल मेरा बेस्ट फ्रेंड आ रहा है घर पे। इसमें कौन सी बड़ी बात है पापा, मेरा बेस्ट फ्रेंड तो रोज घर पे आता है। अच्छा वो पापा आपने याद दिला दिया, मैं मेरे बेस्ट फ्रेंड से मिल के आता हूँ। बाय पापा। अरे बाय, सुन तो लो कौन सा दोस्त है बेटा। कहाँ गए सब लोग? पापा पानी। बबली बबली टपली कपली शपली। पानी छोड़ो, ये बताओ तुम्हारे लिए क्या लाए? लड्डू। अरे नहीं सी। ए बटू। भाई साहब इधर आओ सी। हेलो पटुकलाल। हेलो भैया। हेलो बबली। थैंक यू पापा। थैंक यू मुझे नहीं बेटा, थैंक यू कहो दोस्ती को। दोस्ती जो सारे रिश्तों से ऊपर है। तुझे मालूम है कल मेरा सबसे अच्छा दोस्त, सबसे प्यारा दोस्त, बचपन का दोस्त यहाँ रहा है। उसका नाम है कबूतर उड़, तोता उड़, कौवा उड़, कबूतर उड़। तू लिसन मी, हम मेरे दिल में आग क्या है, कोई सुने तुम्हें बता दूं। अरे ना सुनो तो भी बता दीजिए। क्या बात है आज इतने खुश लग रहे हैं आप? बॉबी 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 बॉबी। एक ही महीने की दो बार तनख्वाह मिली क्या आपको? नो। तो तुम सुनोगी तो खुशी के मारे उछल पड़ोगी। क्या पता है मेरा मेरा बचपन का दोस्त आ रहा है मलेशिया से। याद है? याद है मैंने तुम्हें कितनी बार बताया उसके बारे में, जिसने हमारी हेल्प की थी। अरे हाँ मलेशिया से ही तो आ रहा है ना। हाँ। उसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे खन्ना साहब को देखिए, उनके दोस्त तो हमेशा यूरोप या अमेरिका से आते हैं। और वैसे भी कि मलेशिया कानपुर से है ही कितना दूर, प्लेन इंडिया से टेक ऑफ करने से पहले ही मलेशिया में लैंड हो जाता होगा। टेक ऑफ से पहले लैंड? कंफ्यूजन। अब वो सब छोड़िए, आप जरा हाथ मुंह धो के आइए, मैं चाय चढ़ाती हूँ। नहीं वो बात तो ठीक है, बट मैं कुछ कहना चाह रहा। अरे हाँ बाद में बोल देना, मैं चाय चढ़ाती हूँ, तब तक पापा जी भी शक्कर लेके आते होंगे। अब घर में शक्कर भी नहीं है। अब्बू बेटा कुछ चीज महंगी होती है जरा जल्दी खत्म हो जाती है। पापा जी महंगी सस्ती छोड़िए, एक चीज ऐसी है जो कभी खत्म नहीं होती, वो है दोस्ती, फ्रेंडशिप। मेरा बचपन का दोस्त मलेशिया से आ रहा है कल। अरे वो पुराने मकान में बाजू वाली गली के नलके के पास पीपल वाला पेड़ था बड़ा सा, याद आया? बेटा हमने कल रात में सब्जी क्या खाई थी हमें याद नहीं है। पापा जी कल रात को तो हमने भिंडी खाई थी ना, लेकिन वो मलेशिया से। अच्छा भिंडी मलेशिया से आने लगी है क्या? अरे दुनिया कितनी सिमट। शक्कर। अरे बहू बेटा शक्कर ले लो। जल गई चाय। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। चिड़िया उड़, कबूतर उड़, दूबे चाचा उड़, चौबे चाचा उड़, चौबे चाचा उड़ा दिया। चौबे चाचा उड़ा दिया। अच्छा बेटा तुम यहाँ बैठकर चौबे चाचा दूबे चाचा उड़ा रहे हो, तुम्हें और कोई काम नहीं है? हमारा गर्दी करते रहते हो, इसके घर जा उसके घर जा, कोई और काम नहीं है? पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते तुम बैठ करके? तुम चलो तुम्हारे पापा इंतजार कर रहे होंगे। जाओ पापा दफ्तर से आए नहीं होंगे तो मम्मी इंतजार कर रही होंगी। चलो मम्मी घर पे आई नहीं। अरे तो तुम जाकर मम्मी पापा का इंतजार करो। चलो 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 चलो। अच्छा चाचा जी हमने दिवाली पे आएंगे। दिवाली पे मत आना, अभी आ जाएगी। होली पे आना, और होली से पहले अगर आ गए तो मैं बताऊंगा कौन से त्योहार में आना है। ठीक है तो आओ।
चलो 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 भैया भैया समोसा पूरे आठ है, एकदम गर्मा गर्म तल के लाए हैं। समोसा पूरे आठ है, क्या बारात को जमाना है क्या इधर? किसने बोला था आठ आठ समोसे लाने के लिए? तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? नहीं चाहिए बोला, जाओ जाओ। मार्केट में टीटू अंडरवियर को और इस घर में मुझे कोई सीरियसली नहीं लेता, पर मैं तो लेता हूं भगवान दास शिवाय। लेकिन तुम 24 घंटे मेरे साथ थोड़ी रहते हो भाई, हैं? तुम तो आते जाते रहते हो। और हाँ, तुम भी मेरे दोस्त को लेकर ऐसे लाइटली रिएक्ट मत करना जैसे मेरे घर वालों ने किया। हाँ नहीं करूंगा भगवान दास, मैं तुम्हारी व्यथा को समझ सकता हूँ भगवान दास, आखिरकार मैंने भी दोस्ती की है मेरे दोस्त। ओ रियली? किससे? भूल गए कृष्ण और सुदामा का चैप्टर? यस यस आई नो। और तुम्हें एक बात बताऊं, मेरी और अखिलेश की दोस्ती बिल्कुल कृष्ण सुदामा की तरह ही है। अखिलेश जो है वो कृष्ण है और मैं हूं गरीब सुदामा। भगवान दास, ये तुमसे किसने कहा कि सुदामा गरीब था? सुदामा के पास प्यार और अपनेपन की इतनी दौलत थी कि जिसका मोल कृष्ण भी नहीं चुका सकता था। नाउ यू आर बीइंग मॉडेस्ट। अच्छा ठीक है, ये आपका बड़प्पन भी तो है शिवाय। पता है अखिलेश की और मेरी दोस्ती बिल्कुल हमारी तरह ही है। वो भी मुझे कभी इस बात का एहसास नहीं होने देता कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया, और कभी भी ये नहीं जताता कि मैं किसी भी मामले में उससे कम हूं। और तुम्हें बताऊं शिवाय, अगर अखिलेश नहीं होता ना तो शायद मैं कॉलेज भी नहीं जा पाता। सही कह रहे हो भगवान दास, मुझे कैसे पता होगा? अच्छा बाबा सॉरी दिमाग नहीं है ना, तुम्हें तो सब पता ही है। आई नो। अच्छा सुनो, तुम यहीं रुको, मैं अखिलेश का कमरा ठीक करके आता हूं। यही तो प्रॉब्लम है भगवान दास कि मैं रुकता नहीं। बगू बेटा एक बात है, तुमको अपने दोस्त को लेने के लिए एयरपोर्ट जाना चाहिए था। पापा जी, मैं कितनी बार बता चुका हूँ आपको कि मेरे दोस्त अखिलेश ने मुझे मना किया है एयरपोर्ट जाने के लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ उसने क्यों मना किया है। क्योंकि हम 17 साल के बाद मिल रहे हैं, इसीलिए वो चाहता है कि हम अपने अनोखे स्टाइल में मिले। और देखना अभी मिलेंगे, अभी आएगी वो लंबी सी गाड़ी और यहाँ आकर रुकेगी, उसमें से उतरेगा 6.5 फीट लंबा गोरा हैंडसम अखिलेश। बेटा इतनी बार तुम उसको बता चुके हो कि सबको याद हो गया। वही तो, वो बच गया हॉर्न, आ गई गाड़ी। ये लंबी सी गाड़ी। अच्छा तो ये है आपका 6.5 फीट लंबा दोस्त गोरा सा अखिलेश? ये अरे ये अखिलेश के अवशेष भी नहीं है। अब जाइए ना, जाइए जाइए, मिलिए उसको अपने अनोखे अंदाज में। बॉबी, he is not my friend. बॉबी, देखो कौन आया है। अरे जीजेश, जीजा। अरे तुम्हारे लिए देखो ये मूली लाए हैं, ये लो आ। ये लो। और सुनो बॉबी, बढ़िया जो है मूली के पराठे बनाओ, क्या है कि मटका बहुत प्रसन्न है। बस जी जहाँ भी बनाते हैं। पौधा पहाड़ और निकला गोबर, इनके मुंह पे कोई टेप लगाओ। नहीं है साढ़ू साहब, आप हमको इतनी हैरानी से काहे देख रहे हैं? सूट वूट पहने, इतना स्टाइलिश खूबसूरत आदमी आज तक नहीं देखा था। अच्छा इसलिए हार लेके आए हैं, चलिए डाल दी। अरे नहीं साहू साहब, ये आपके लिए नहीं है भाई, ये हमारा एक मित्र आ रहा है एयरपोर्ट से, उसका इंतजार कर रहे हैं, उसके लिए है। अरे गोबर, तुम्हारी वर्दी का क्या हुआ?
उतर गई क्या? ऐसा है हमारी वर्दी का नहीं, अपनी सफेद वर्दी का ख्याल कीजिए, ऐसे खड़े खड़े उतर जाएगी यहाँ। चीचा इधर आइए, आइए आप भी। हम जो है खुफिया ड्यूटी पर हैं, इसलिए भेष बदल कर घूम रहे हैं। सुना है कानपुर शहर में एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल आ सकता है। अगर वो क्रिमिनल हमको कहीं मिल गया या हमको टकरा गया तो 4-5 किलो सोना तो हम उससे ऐसे ही अंदर कर लेंगे। मेरा सेठ वो भी आ जाएगा, वो भी उसके बाद उसको अंदर करेंगे। साढ़ू साहब दोस्तों से ऐसे नहीं मिलते हैं। तो कैसे मिलते हैं, सिखाइए ना इनको चीजा। हाँ बॉबी पता है मुझे। ऐसा है साढ़ू साहब हम आपके दोस्त हैं। नहीं अरे मान लीजिए हम आपके दोस्त हैं। ओके क्या नाम है आपके दोस्त का? अखिलेश। अखिलेश हम अखिलेश हैं और आप जो है वो हैं भगवान दास। बग्गू बग्गू तो अखिलेश जो है वहाँ खड़ा होगा मंदिर के पास यानी कि हम, और आप खड़े हैं इधर। और जैसे ही आप अखिलेश को देखेंगे आपके मुंह से आवाज निकलेगी अक्को अक्की। हाँ ठीक है अक्की। इधर से अक्की भागेगा, इधर से भग्गू भागेगा और ठीक बीच में गले लगेंगे, और ऐसे गले लगेंगे कि वाह क्या वाह। ठीक है शुरू कर, चल भाई चल चल गो। अरे आप कहां से आ गए चाचा जी, ये भगवान दास कहां है? बस भाई बच्चे का बबलू अपने फ्रेंड के घर गया है, उसके पापा ने उसे नया टैबलेट लेकर दिया है ना, वही देखने बुलाया है उसको। और बबली ऊपर है। बबली जी मम्मी। बेटा देखो कौन आया है, आ जाओ। अरे भाई समोसे लाओ भाई। अभी लाई हा? और बताओ क्या हाल चाल है भाई, आप तो एकदम शाकाल हो गए हैं पर हैंडसम लग रहे हो। थैंक यू। लेकिन एक बात बहुत अच्छी है, कंगी वंगी करने का कोई झंझट ही नहीं। एक दिक्कत भी है, समझ में नहीं आता कि मुंह कहाँ तक धोना चाहिए। क्यों चाचा जी? नहीं बेटा अब इतना भी नहीं है। यार एक बात बता, कानपुर में कुछ गड़बड़ है क्या? अरे यहाँ तो सब कुछ है सही है, बात क्या है? मतलब जगह जगह नाकाबंदी, कोई नेता वेता आ रहा है क्या? तो बाहर भी पुलिस खड़ी। तुम बाहर की पुलिस की बात कर रहे हो भाई, यहाँ तो घर में ही पुलिस है वो देखो। ये बात अलग है कि ये पुलिस हमेशा खाने में लगी रहती है। ऐसा है हमसे खुफिया पंती करने की जरूरत नहीं है, खुफिया ड्यूटी पे हैं अभी हम, और अंदर करने का ऑर्डर भी मिले समझे। अरे बाबे आज चल रहे हैं अभी हम, ठीक है बाबे जी? कभी अखिलेश बाबू को थाने लेके आइए। थाने वाले नहीं हम, यही ठीक है। अरे आइए अब देखिए कि थाने में हमारी क्या रंगबाजी है। बॉबी चल रहे हैं फिर आएंगे। अच्छा बबलू बेटा आपके लिए लेटेस्ट स्पोर्ट्स वॉच। पापा मैं ले लूं? यार अखिलेश क्या क्या कर रहा है यार? क्या मतलब तू बताएगा कि लूं कि ना लूं? ओके 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 ले तो लिया बेटा, अब पूछ क्यों रहा है? बबली ये आपके लिए लेटेस्ट टैबलेट कंप्यूटर, ये आपकी स्टडीज में भी काम आएगा। थैंक यू अंकल। यू मोस्ट वेलकम। तो बबलू अब आपको पड़ोसियों के घर जाने की जरूरत नहीं है, आप दीदी के टैबलेट पे आप खेल सकते हो। मुझे अभी खेलना है। जाओ खेलो। अखिलेश रुकना। हाँ चाचा जी ये आपके लिए। भाई सुना है कानपुर में ठंड बढ़ गई है। अरे बेटा तुम तो मेरे लिए रुमाल भी ले आते तो उससे मेरी ठंड चली जाती। और भाभी ये आपके लिए। अरे भैया लेकिन ये सब क्या मतलब? मतलब एक तरफ भैया कहती है और फिर ये लेकिन वेकिन ये सब क्यों? बहन को तो भाई से हक से मांगना चाहिए, और वैसे भी मैं तुम दोनों की शादी पर आ ही नहीं पाया। अखिलेश हाँ जी क्या है ये सब, वाह इतने महंगे गिफ्ट क्यों? एक मिनट
क्या मैं तेरे लिए कुछ लाया हूं? अपने परिवार के लिए लाया हूं। फिर एक बात बता, तुम लोगों के अलावा मेरा और कौन है? एक तो मेरी फैमिली। सबको खर्राटे की आदत क्यों होती है भाई? हमसे बोल रहे थे साइलेंटली खर्राटे लेना, अब खुद लगे हुए। ये पानी भी नहीं रखा बॉबी ने, उसकी याददाश्त को भी ना एक दिन की छुट्टी चाहिए। आपसे निवेदन है कि आप खर्राटे नहीं लेंगे। पता नहीं क्यों मेरा मन कह रहा है कि ये पिस्तौल अखिलेश की नहीं है। पर ये बैग तो अखिलेश का ही है भगवान दास। लो पानी पियो। ओह थैंक यू। मैं मानता हूं कि बैग अखिलेश का है शिवाय, और ये पिस्तौल भी अखिलेश के बैग से निकली है, लेकिन लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी ने इस बैग में इस पिस्तौल को डाल दिया छुपाने के लिए। यानी कि तुम ये कहना चाहते हो कि किसी ने यह हथियार छुपाने के लिए इसे अखिलेश के बैग में डाल दिया और इसे कानो-कान खबर भी नहीं हुई। मैं भी भगवान दास, कामयाब बिजनेसमैन इतने बेवकूफ नहीं होते। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है शिवाय? भगवान दास, तुम केवल अपने दिल की सुनो और उसके साथ साथ अपने दिमाग की सुनो कि आखिर वो क्या कहता है। पता है शिवाय, वो तो यही कहता है कि कैसा हो ही नहीं सकता कि ये पिस्तौल अखिलेश की हो। और यदि ये पिस्तौल उसी की हुई तो हुई तो का क्या मतलब है भाई? अरे ये अमीर आदमी है भाई, अमीर लोग अपने पास सुरक्षा के लिए पिस्तौल रखते हैं। हो सकता है अखिलेश ने भी अपनी सेफ्टी के लिए रखी हो। बताओ ना यार,
तुम्हें तो सब पता है ना? मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि मुझे कुछ नहीं पता। अरे यार कंफ्यूज मत करो, सीधे सीधे बताओ ना। भगवान दास, जब ये धरती गोल है, चंद्रमा गोल है, सूरज गोल, पूरा ब्रह्मांड गोल, तो मैं सीधे सीधे कैसे बोल सकता हूं खला? चलो सोचते हैं कि ये हथियार अखिलेश की सुरक्षा के लिए नहीं है, लेकिन ये हथियार अखिलेश का ही है तो क्या होगा? तो क्या करूंगा? मतलब तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि ये गैर कानूनी काम करता है, और ये जितना भी पैसा कमाया है इसने, ये गैर कानूनी ढंग से कमाया है, और मैं अपने घर में पाप की कमाई का एक पैसा नहीं आने दूंगा। शिवाय मैं ना अभी वो सारे गिफ्ट जो इसने दिए हैं इसके मुंह पर मारूंगा। शांत भगवान दास, शांत। अच्छा एक बात बताओ, कहोगे क्या तुम अपने पापा से, बॉबी से, बबली से, बबलू से, क्या कहोगे कि जिस तुम्हारे दोस्त को वो एक मेहनती और सक्सेसफुल बिजनेसमैन समझ रहे, वो दो नंबर का धंधा करता, और अगर ये गन इसकी नहीं हुई तो? जो इंसान पहले से ही इतना कंफ्यूज हो उसे और ज्यादा कंफ्यूज करना घनघोर अपराध है शिवाय। I'm so sorry भगवान दास। और तुम्हें ना इसका पाप लगेगा। मैं सुबह इससे पूछूंगा, उसके बाद निर्णय लूंगा। मेरी जगह तुम होते तो क्या करते? अगर मैं तुम्हारी जगह होता भगवान दास, तो अपनी आंखें बंद करता और एक लंबी सांस लेता और चादर ओढ़ के सो जाता। गुड आइडिया। आंख बंद करो, लंबी सांस लो। शांति, शांति। व्हाट अ फीलिंग चाचा जी, आज जमाने बाद अपने एयर कंडीशन बेडरूम से बाहर निकल कर यहां खुले आसमान में चाय पीने का मजा ले रहा हूं। थैंक यू भाभी, एंड आई जस्ट लव यू कानपुर। अखिलेश भैया, आपको कानपुर से इतना प्यार है तो आप मलेशिया छोड़ के कभी वापस क्यों नहीं आए? बिजनेस बहुत अजीब चीज है भाभी, ये आपके सपने तो पूरे करता है लेकिन अपनों को दूर कर देता है। कोई बात है, आइए बाबे, ये लो लॉक। अरे जीजा, ये क्या हाल बना रखा है? अरे बॉबी वो सब छोड़ो, पर जल्दी से तुम जो है हमारे लिए गर्मा गर्म जो है चाय बनाओ भाई। अच्छा, और पकौड़े? हाँ पकौड़े बना लो। अच्छा ठीक है। अरे अखिलेश बाबू, कल रात जो है हम उस क्रिमिनल का पीछा करते 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 गए, लेकिन ससुरा जो है हमको चकमा देके भाग निकला। लेकिन कोई बात नहीं, अरे कानपुर छोटी सी जगह है, ससुरा भाग के जाएगा कहाँ? जिस क्रिमिनल का पीछा गोबर जैसा पुलिसिया कर रहा हो तब तो गुड़ गोबर हो नहीं। ऐसा है चाचा जी, आप हमारा नाम जो है ना वो सुबह सुबह ठीक से लिया कीजिए, बता रहे हैं। एक मिनट रुको, क्या है भाई? हेलो, क्या? अरे ऐसा है गुरु, पीछा करो बस, उसको धर पकड़ेंगे। हाँ पहुंच रहे हैं। ऐसा अखिलेश बाबू, बस हम पहुंच रहे हैं, उसको धर पकड़ते हैं, अभी चल रहे हैं। बॉबी, अरे आ गए। अखिलेश कहाँ है? वो तो टेरेस पर बैठे हैं। याद रख, इस धंधे में गलती करने से माफी नहीं मौत मिलती है। धोखा बिल्कुल मत देना। हाँ भारी पड़ेगा, बहुत भारी पड़ेगा।
इतने सारे पासपोर्ट, अखिलेश वर्मा, अखिलेश दुबे, अखिलेश मिश्रा, अखिलेश कुमार। सुना है कानपुर शहर में इतनी खतरनाक बाहर। याद रख, इस धंधे में गलती करने से माफी नहीं मौत मिलती है। इसका मतलब, अखिलेश क्रिमिनल। अखिलेश वैसा नहीं है जैसा जैसा मैं समझ रहा था। मेरे बचपन का दोस्त, वो क्रिमिनल है। ये देखो, इतने सारे पासपोर्ट तो वही रखते हैं ना जो जो गलत काम करता हो। इतना बड़ा झूठ बोला है उसने मुझसे। वो कपड़े, वो गिफ्ट, वो खिलौने, मतलब जो भी आया है सब गलत कामों से कमाए हुए पैसों से आया है। क्या बोलूंगा मैं पापा जी को, भाभी को, बच्चों को कि जिस दोस्ती की मैं मिसाल देता आया हूं आज तक, वो क्रिमिनल है। शिवाय, शिवाय मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? तुम्हें बताओ। वही करो भगवान दास, जो तुम करना चाहते हो। कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक तरफ तो मेरा दोस्त है, जिसे मैं बेहद प्यार करता हूं। तो दोस्ती निभाओ भगवान दास। कैसे कैसे निभाऊं दोस्ती? इस समाज के प्रति भी मेरा कुछ कर्तव्य है ना। अरे एक क्रिमिनल को छुपाना, क्राइम का साथ देना भी तो क्राइम करना ही हुआ। मैं उस क्रिमिनल का साथ नहीं दे सकता। नहीं। तो एक काम करो भगवान दास, जाकर पुलिस से कह दो कि वो जिस क्रिमिनल को ढूंढ रही वो तुम्हारे घर में। ये कैसे दो राह पर लाकर खड़ा कर दिया है शिवाय? इन दोनों में से एक राह तो तुम्हें चुननी है भगवान दास। तुम वही करो जो तुम्हारी अंतरात्मा कहती। अंतरात्मा? अंतरात्मा की आवाज तो मेरी कह रही है कि मैं अभी पुलिस स्टेशन जाऊं और साफ साफ बता दूं सब कुछ कि ये रहा क्रिमिनल, ले जाओ इसे। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं शिवाय कि हमेशा हमेशा अंतरात्मा की आवाज क्यों सुननी चाहिए? ये गलत भी तो हो सकती है। बचपन से लेकर आज तक मेरे ऊपर जब भी मुसीबत आई, मेरे परिवार के ऊपर जब भी मुसीबत आई, उसने दिल खोल कर मेरा साथ दिया है। उसकी दोस्ती ने मुझे सिखाया कि छोटे बड़े का अंतर कुछ नहीं होता, लेकिन इस समाज ने हमेशा मुझे अमीरी और गरीबी के बीच बांट के रखा। कैसे उस दोस्त को मैं जेल भेज दूं? शिवाय, शिवाय एक बार मेरी मदद करो प्लीज। एक बार मुझे इस दुविधा से मुक्ति दिलाओ मुझे। अरे, थैंक यू भाभी। अरे आप कहां भटकती आत्मा की तरह घूम रहे हो? दफ्तर से आते ही सीधा कमरे में घुस गए। सब लोग यहां बैठे हैं, आप कहां बैठे हैं? अभी आता हूं बस। अरे मैं चलता हूं ना साथ में। नहीं, मैं अभी आता हूं। जल्दी आना, खाना साथ में खाएंगे। खाना तो नहीं खा पाएंगे साथ में शायद, लेकिन तुम जहां भी रहोगे ना अखिलेश, हम है तुम्हारे साथ। क्या भाई है? बात क्या है? ए भगवान दास, क्या हो भाई? भाई भाई क्या है कि तेरे बहुत बहुत एहसान है यार हमारे ऊपर कि जिंदगी भर भूल नहीं सकते। बहुत छोटा इंसान हूं यार मैं, अगर कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना मेरे भाई।
धन्यवाद साहब, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। फरमाइए। एक मुजरिम था, मतलब एक क्रिमिनल के बारे में इंफॉर्मेशन देनी थी। ऑर्डर। जी सर, आइए बैठिए। बोलिए। जी, मेरा एक दोस्त है, अखिलेश, बचपन का दोस्त है। अरे कहाँ चले गए थे आप? वो ऐसे ही गया था मैं थोड़ा। तो सब ठीक है ना? वो आता हूँ चेंज करके मैं। हा? बिना बताए अरे भैया, आप कहाँ तैयार होके घूम रहे हो? कहीं जा रहे हो क्या? बस भाभी, अब तो जाना ही पड़ेगा। अरे भाई, कहाँ जाने का टाइम हो गया है? अभी तो रात के खाने की बात कर रहे थे, इसीलिए हम देखो दही लेकर आए हैं कि तुम्हारी पसंद का रायता बनाया जाएगा, और तुम जाने की बात कर रहे हो। भाई क्या है? वही तो भैया, मैंने आपके लिए मखाने की खीर बनाई है, बहुत पसंद है ना आपको? ऐसे आदत मत खराब करो, वरना जा नहीं पाऊंगा। एक बार खीर खाने से थोड़ी आदत खराब होती है किसी की। चलो ले आओ, वैसे भी कहीं लंबे सफर पर जाओ तो माँ मीठा खिलाकर ही भेजती थी। जल्दी से ले आओ। अच्छा, अभी लाई। बेटा अखिलेश, हम तो एक बात कहते हैं कि तुम कहीं मत जाओ, तुम यहीं रह जाओ। मानते हैं कि बेटा घर छोटा है, लेकिन एक और बेटा तो इसमें रह सकता है ना। चाचा जी, अब तो जाना ही होगा। आप लोगों ने जो प्यार दिया वो कभी भूल नहीं पाऊंगा। कुछ देर यहां रुक गया ना तो फिर अकेले रहने की आदत नहीं रहेगी, इसलिए आप प्लीज मत रुकिए। ये क्या बात कर रहे हैं भैया, ऐसे अचानक कैसे जा सकते हैं आप? मैं अभी उनको बुलाती हूँ। अरे सुनिए भाभी, अब तो मैं चाकर भी नहीं रुक सकता। खीर दीजिए, खीर कमाल बनी है, बहुत स्वादिष्ट। देखो भैया, अगर हमसे कोई गलती हो गई हो या कोई कमी रह गई हो तो माफ कर दो प्लीज। कहाँ जाने की बात हो रही है भाई? देखिए ना, इनको कितना समझा रही हूँ, ये समझ ही नहीं रहे। कहाँ जा रहे हो भाई अखिलेश? अरे तू छोड़ तो पहले खीर खा। अरे वो ठीक है, बताओ तो। अरे मुंह तो खोल। चल, ये एक पता नहीं फिर ये मौका मिले या ना मिले। बाकी की तू खत्म कर, मेरे जाने का वक्त आ गया। अरे क्या जाना जाना लगा रखा यार तूने? तू कहीं नहीं जाएगा, बस समझ गया? नहीं भगवान दास, आज तू मुझे नहीं रोक। अरे बता तो सही, जा कहाँ रहे हैं अचानक से? भगवान दास, इंस्पेक्टर साहब, आप यहां कैसे? मुजरिम की तलाश में। मुजरिम की तलाश में? यहाँ कौन मुजरिम है? यहाँ कोई नहीं है, मैंने आपको बताया था ना सब कुछ सच सच। जी, मेरा एक दोस्त है, अखिलेश, बचपन का दोस्त है, उसका फोटो दिखाता हूँ। ये एक मिनट। हाँ बोलो। अरे एक इंस्पेक्टर की बीवी होकर तुम्हें गैस सिलेंडर बदलना नहीं आता? अरे इसमें डरने की क्या बात है? एक बात बता, तुम लोग के अलावा मेरा इस दुनिया में और है कौन? एक तो मेरी फैमिली, बहन को तो भाई से हक से मांगना चाहिए। सॉरी भगवान दास जी। हाँ, आप क्या कह रहे थे? आपका कोई दोस्त है अखिलेश? बहुत अच्छा दोस्त है सर, बहुत प्यारा दोस्त है। वो ना पासपोर्ट भूल गया अपना, इसलिए मुझे जल्दी है, थोड़ी मुझे जाना पड़ेगा। आप किसी क्रिमिनल की इन्फॉर्मेशन देने आए थे ना? हाँ, वो मैंने सुना है कि एक स्मगलर, जो क्रिमिनल गोल्ड स्मगलर, कोई कानपुर में आया हुआ है, मतलब है ना। लेकिन आपको कैसे मालूम? मेरे साढ़ू साहब है ना,
वो भी पुलिस में है, गोवर्धन दुबे। हाँ, सुना है उनके बारे में। उन्होंने बताया था। तो हुआ यूं कि मैं कल ना बस स्टैंड से गुजर रहा था, तो अचानक मुझे एक डाउटफुल आदमी दिखा, भाग रहा था वो, तो मैं पहचान नहीं पाया कौन है, लेकिन उसके हाथ में बैग था। पता नहीं क्यों मुझे लगा कि ये वही होगा। मैंने बताया था आपको कि मैंने उसे बस स्टैंड के पास घूमते हुए देखा था, दैट्स ऑल। आप यहाँ क्यों आए हैं? अच्छा, तो ये कौन है? ये अखिलेश है भाई, हमारे दोस्त हैं, बचपन का दोस्त है मेरा। मैंने बताया था आपको पुलिस स्टेशन में, याद नहीं? ये इसे हम सब परिवार वाले इसे अच्छे से जानते हैं, बहुत ही अच्छा और नेक इंसान है। अरे बॉबी बताओ इनको। पापा जी प्लीज टेल हिम। इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है, यहाँ पर कोई भी मुजरिम नहीं है। आप यहाँ आए ही क्यों? Why? इन्हें मैंने बुलाया। तुम? Why? भगवानदास, तू तो सब जानता है। बस यार, बहुत भाग लिया, बहुत, और इस भाग दौड़ में बहुतों को खो दिया, सबको तकलीफ दे रहा, तुम्हें भी दी। मैं जानता हूं पिछले दो दिन से तुम किस कश्मकश में जी रहे। नहीं, जब तुम पुलिस स्टेशन गए थे तो मुझे फोन आ गया था। क्या है ना भगवान दास, दो नंबर का काम करने वाले जितना पुलिस स्टेशन के बाहर उतने अंदर भी। बट अखिलेश, क्यों? आई मीन मैं जानता हूं मेरे भाई, तू मेरी खबर देने के लिए इंस्पेक्टर साहब के पास गया था, लेकिन दोस्ती के फर्ज ने तुझे सच बोलने से रोक दिया है ना। साले, तुझे सच बोलने की क्या जरूरत थी? क्या मतलब दोस्ती का फर्ज सिर्फ आप अदा करेंगे? हाँ, ये कहां की शराफत है भाई? भगवान दास, मैं चाहता ना तो उम्र भर तेरे घर में आराम से रह सकता था, पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन तेरी नजरों में गिरकर मैं एक पल भी नहीं रह सकता। अपनी नजरों में तो मैं उसी दिन गिर गया था जब बिजनेस में लॉस खाने के बाद मैं क्राइम का रास्ता अपनाया और धीरे धीरे दलदल में फंसता चला गया। भगवान दास, मेरे भाई, मैंने पैसा बहुत कमाया, रिश्ते नहीं कमाए। चाचा जी, इंसान नहीं हूं, मैं हूं क्रिमिनल। अब क्यों ऐसा बोल रहे हैं और क्यों जा रहे हैं भैया? अम्मा चाहिए ना, कहीं नहीं जाएगा ये, इसको जाने भी नहीं देंगे हम। कहां जाएगा तू बता? ये ना दिमाग खराब है इसका। और इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ झूठ बोल रहा है, ये बहुत झूठ बोलता है, बचपन से आदत है इसकी। इंस्पेक्टर साहब, ये सबको परेशान करके क्या जरूरत थी तुम्हें? क्या कर रहा है बाबू? जब तक तू आई तो यहाँ पर बता मुझे, किस लिए आए थे तू? खोपड़ी खराब करके रखी तुमने हमारी। अब इसे छोड़ दीजिए, ये बिल्कुल बेकसूर है। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज आप चाहे तुम, मैं चलने को तैयार हूँ। इसे कुछ मत कहिए, इसका कोई कसूर नहीं है, मैं बता रहा हूँ। I'm भगवान दास चौबे, वर्किंग इन T2 अंडरवियर बनियान, रियली गारंटी है मेरी।
जिस वक्त किसी का यार जुदा होता है, कुछ ना पूछो यारों दिल का हाल बुरा होता है, जब जिस वक्त किसी का। एक और बात, जो खिलौनों में बच्चों के लिए लाया था ना, वो दो नंबर के पैसे के नहीं थे, मेहनत की कमाई की। चल तू। दिल पे यादों के जैसे तीर चलते हैं, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, दिए जलते हैं। ये क्या हो गया शिवाय, कैसे हो गया ये सब? मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनकर भी अनसुना कर दिया, लेकिन फिर भी मैं अपने दोस्त को जेल जाने से नहीं रोक पाया। तुम्हारा ये खेल समझ नहीं आया शिवाय। भगवान दास, इस खेल को समझने से पहले इसके नियमों को जानना अति आवश्यक। यदि कोई खिलाड़ी इस खेल को गलत खेले तो यह आवश्यक नहीं कि दूसरा खिलाड़ी भी वही गलती करे। तुमने अपनी अंतरात्मा की नहीं सुनी, पर अखिलेश ने तो सुनी, क्योंकि मैं तुझ में हूं भगवान दास, तो मैं अखिलेश में भी। यदि मैं सत्य में हूं तो मैं झूठ में भी, यदि मैं पाप में हूं तो मैं पुण्य में भी, क्योंकि मैं ही बनाता हूं, मैं ही संवारता हूं और मैं ही विनाश करता हूं।